हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तौकीर है और आप देख रहे हैं ओसीबीटी। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप बीजीपी के अंदर किस तरीके से राउट को समराइज कर सकते हैं, समराइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर समराइजेशन का तरीका बताऊंगा। इस मकसद के लिए मैंने एक टोपोलॉजी बना के रखी हुई है, बहुत इजी टोपोलॉजी। हमारे पास दो राउटर्स हैं, इन दोनों राउटर्स के दरमियान में हमने ई बीजीपी कन्फिगर करना है और ई बीजीपी कन्फिगर करने के बाद राउटर ए के ऊपर यानी कि राउटर वन के ऊपर हमने कुछ स्टैटिक राउट्स डिफाइन करने हैं और तमाम के तमाम स्टैटिक राउट्स को हमने बीजीपी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। नेटवर्क की कमांड से नहीं बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड से हमने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। और मेरा टास्क ये है कि जब वो तमाम के तमाम राउट्स बी के ऊपर पहुंचे यानी कि राउटर टू पर जब पहुंचे तो उस तक सारे के सारे राउट्स ना पहुंचे बल्कि उनकी समरी पहुंच रही हो। इस मकसद के लिए हमें राउट समराइजेशन को पढ़ना पड़ेगा और आज मैं आपको राउट समराइजेशन करने का तरीका बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को राउट समराइजेशन का अच्छे तरीके से आइडिया होगा। तो हम अपनी पहली टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मेरे पास 1/0 है, इधर मैंने आईपी दिया 1.1.1.1.255.0.0, नो शट किया और राउटर 2 पे जाके भी इंटरफेस सीरियल 1/0 पे गया, आईपी एड्रेस दिया 1.1.1.2 और आपके सामने मेरे पास ये दोनों साइडों पे आईपीस कॉन्फ़िगर हो गए। हमारे पास जो नेट आईडी थी वो बिल्कुल आपको नजर आ रही है, दोनों साइडों पे आईपी कॉन्फ़िगर हैं। अब मुझे इन दोनों के दरमियान में ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम अपने राउटर 1 से शुरू करते हैं। इधर हमारे पास ऑटोनोमस नंबर सिस्टम 10 है, आपके पास नजर भी आ रहा है डायग्राम। मैंने यहाँ पे कहा नेबर 1.1.2 रिमोट एएस उसका है 20। मैंने कहा सामने वाले के साथ नेबर बना लो, नेबरशिप बना लो, इसके पास 20 चल रहा है। मैंने इसको कहा नेबर बनाओ 1.1 के साथ और उसका रिमोट एएस है जी 10। अब कुछ देर ये अपने आप को एक आपस में पैकेट्स को एक्सचेंज करेंगे जिसके बाद हमारे पास नेबर्स अप हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में ये नेबर अप हो जाएंगे, ये देखिए आपके सामने ये नेबर अप हो चुके हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं ये देखिए आपके सामने नेबरशिप अप भी है, देखिए उसके साथ उसका अप डाउन टाइमर भी आ रहा है, सब कुछ साथ से चलता रहेगा। आपको पता ही टाइमर बढ़ता रहता है कि 25 हो गया, अब 27 हो जाएगा, देखिए आपके सामने 27 हो गया, तो ये बढ़ता रहेगा। तो हमारी नेबरशिप बिल्कुल बन चुकी है, बीजीपी बिल्कुल रेडी है। हमारा अगला टास्क ये है कि हमने राउटर ए के ऊपर कुछ स्टैटिक राउट्स डिफाइन करने हैं। 192, देखिए आपके सामने ये स्टैटिक राउट्स हैं 192.1.17.0। चूंकि ये किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते इस वजह से मैं उसको नल जीरो से क्रिएट करूंगा, यानी कि सामने एक एजम्पशन के तौर पे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। 1718 डायग्राम में आप देख सकते हैं, 19 है और आखिरी वाला 20 है। ये चार स्टैटिक राउट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इन चारों की चारों की समरी मेरे राउटर 2 तक पहुंचे। अब अगर मैं यहाँ पर इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करूँ, ये देखिए मैंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, इसका मतलब ये तमाम के तमाम स्टैटिक राउट्स जो हैं वो मेरे बीजीपी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने यहां पर आके डू शो आईपी बीजीपी करता हूं तो ये देखें आपको तमाम के तमाम राउट्स बीजीपी के थ्रू आते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर अगर मैं बैठ के पिंग करूं 192.1.17.0 तो ये पिंग नहीं होगा, मुझे किसी ना किसी आईपी को पिंग करना पड़ेगा, अभी भी ये पिंग नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ लैब पर्पस के लिए हमने इन तमाम के तमाम राउट्स को क्रिएट किया। तो बस ये बताना मकसद था कि आप ये ना समझें कि ये अगर बीजीपी के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली पिंग भी होंगे, जरूरी नहीं है क्योंकि किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने इनको नल जीरो से क्रिएट किया हुआ है इसलिए पिंगेबल नहीं है क्योंकि आईपी ने मैंने पूरे पूरे राउट यहाँ पे क्रिएट किए थे। अब मेरा टास्क ये है कि मैं चाहता हूँ ये हूँ कि यहाँ पर जो ये चार के चार राउट्स पहुंच रहे हैं ये चार राउट्स ना पहुंचे बल्कि इन चारों की जगह इसकी समरी आए, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं राउटर ए पर जाना पड़ेगा और राउटर ए पे जाने के लिए कमांड है जी एग्रीगेट एड्रेस और आगे आप एड्रेस देंगे जो कि आपका समराइज्ड एड्रेस है। और अगर आपको पता हो कि अगर हम
इसकी समराइजेशन करें तो समराइजेशन करने के बाद आईपी हमारे पास ये निकलता है, जिसका सबनेट मास्क हमारे पास ये है। इसके आखिर में आपने कीवर्ड डालना है समरी ऑन। मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर ये मैं ये कीवर्ड ना डालूं तो क्या होगा। मैं इतना लिख के एंटर करता हूं, मैंने इसकी समरी बना दी और समरी बना के मैंने इसमें एडवर्टाइज भी कर दी, यानी कि समरी बना के मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहां पर आके मैं दोबारा चेक करता हूं, कुछ देर लगता है अपने आपको अपडेट करने में। मैंने शो एबी बीजीपी किया तो आपको कुछ नजर आया होगा कुछ चीज। देखिए वो चारों के चारों राउट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उन चारों राउट्स के अलावा एक अलग से समरी भी आ गई है, जबकि मेरा टास्क ये था कि सिर्फ और सिर्फ समरी आए, ये चार राउट्स ना आए। तो मुझे यहाँ पर जाने के, मुझे यहाँ पर आके पहले इसको नो करना है और उसके बाद इसके आखिर में समरी ओनली का कीवर्ड लाजमी डालना है। अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो जो मैंने ये समरी बनाई है ये समरी भी एडवर्टाइज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर समरी ओनली का कीवर्ड डाल दिया, इसने अपने आप को अपडेट कर लिया होगा कि ना। तो हम देखते हैं शोएब बीजीपी, अभी भी अपडेट उसने नहीं किया, अभी थोड़ी देर लेता है वो अपडेट करने में। आप जानते हैं कि बीजीपी के टाइमर्स होते हैं, तो कोई बंदा ये डेडलाइन नहीं दे सकता कि कितनी देर के अंदर ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हर बीजीपी के दरमियान जितने सेशन होंगे हर सेशन ने अपना टाइम लेना। एंटर करते हैं, अभी भी उसने टाइम नहीं, अभी तक वो टाइम ले रहा है। दोबारा चेक करते हैं, ये देखिए आपके सामने जो हमारे चार के चार राउट्स थे उन तमाम चारों राउट्स की जगह पे उसकी समरी आ गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने बीजीपी के अंदर राउट्स की समराइजेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आपको अभी भी अगर किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी कमेंट करें, वक्त मुनासिब पर आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।